नमस्कार, अब वक्त है खास मुलाकात का खास मेहमान के साथ। हम आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं उनको श्रेय है इंडियन रिटेल लैंडस्केप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का। उन्होंने अपने कारोबार को बुलंदियों तक पहुंचाया है। वो कईयों के रोल मॉडल हैं लेकिन उनकी अपनी बिजनेस की जर्नी में कई तरह के उतार चढ़ाव रहे हैं। वो एक तरीके से अपने कमबैक के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कारोबार के कई क्षेत्रों में हाथ आजमाया है। हम इनकी जर्नी से, इनके सफ़र से काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये अपनी बात को काफ़ी दमदार अंदाज में रखने के लिए भी जाने जाते हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम श्री किशोर बयानी, फाउंडर एंड ग्रुप सीईओ फ्यूचर ग्रुप। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही हमारे साथ हैं धीरज खंडेलवाल साहब, जो कि चेयरमैन है कमिटी फॉर मेंबर्स इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस ICAI। आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले सर आपसे हम ये समझना चाहेंगे, आप तो जिस तरह से आगे बढ़ते ही रहते हैं लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा आप हमारे लिए पॉज लें, रिवाइंड का बटन प्रेस करें और हमें ये बता सकें ये जो पूरी जर्नी रही है, जो इतना लंबा सफ़र रहा है, इसमें आपने क्या पाया, मतलब इस तरह की क्या लर्निंग्स रही पूरी इस यात्रा के दौरान। आपने अच्छा एक प्रश्न पूछा है कि जर्नी, आई थिंक हम लोग अपने आप को फ्यूचर ग्रुप बोलते हैं, हम आगे क्या करने वाले हैं वो बता सकते हैं, पीछे मुड़ के ज़्यादा देखते नहीं, बट अगर जर्नी देखेंगे तो जर्नी एक इग्नोरेंस की जर्नी थी। मैंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एंट्रेंस एग्जाम पास किया था, फिर सोचा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनते, जनरल मैनेजमेंट में जाएंगे। तो बट जब काम चालू किया तो आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 9 CEOs हमारी वेरियस कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 800 चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काम करते हैं। तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक विशेष प्रेम है कि हम समझते हैं कि इनकी राइट ब्रेन इतनी स्ट्रांग होती है, नंबर्स, न्यूमेरिकल एनालिटिक्स, उनको सिर्फ लेफ्ट ब्रेन में थोड़ी चीज़ें घुसानी है हम लोगों को, वो बहुत ईजी है। बहुत कुछ सर। तो ये जर्नी में हमने यही देखा कि नथिंग इज़ परमानेंट, इंडिया इज़ चेंजिंग अ लॉट, अपॉर्चुनिटी एंडलेस है एंड ग्रोथ का, इंडिया की ग्रोथ का हिस्सा हम लोग भी बन सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी। इंडिया अगर 7-8% पे ग्रो करेगा जी, $1 trillion की इकोनॉमी हर 6-7 साल हम जोड़ेंगे तो वो इकोनॉमी में कोई भी हिस्सा ले सकता है। सर ये जो बिज़नेस की तरफ आप आए, ये आपका नेचुरल चॉइस था, मतलब आपकी फैमिली में जिस तरह से कारोबार था, तो आपने जैसे एक तो मेंशन किया CA फाउंडेशन की तरफ आप बढ़े लेकिन फिर आगे आपने उसको परस्यू नहीं किया, तो एक कारोबार जगत की तरफ आना, मतलब आप इसी दुनिया में ही आगे बढ़ना चाहते थे या? हम लोग कारोबार की फैमिली से थे तो शायद मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखा भी नहीं की, कॉमर्स ग्रेजुएशन किया बट कभी कॉलेज एक दिन में शायद 5 साल में एक क्लास अटेंड की होगी। जी सर। हम समझते थे कि पढ़ाई थोड़ी सिंपल होती है, पढ़ाई में एक क्वेश्चन के 2 या 3 आंसर होते हैं, आंसर देना बहुत इजी होता है। हाँ जी। तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है कोई भी सब्जेक्ट को समझना। तो पढ़ाई ज़्यादा नहीं की, तो आई थिंक इग्नोरेंस वॉज द बिगेस्ट वर्च्यू, एंड जो इग्नोरेंट होता है वो बिजनेस अच्छा करता है। जी बहुत खूब। सर आप जब कारोबार की दुनिया में आए तो यहाँ पर कारोबार करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। कहते हैं जिसने भारत में कारोबार कर लिया वो कहीं भी कर सकता है, यहाँ पर इतना कॉम्प्लेक्स, इतनी पेचीदगियाँ, इतने अप्रूवल्स, और उसको आप किस तरह से उस दौर को देखते हैं, वो दौर और ये दौर, इसमें जब अगर वो दौर देखेंगे तो इतना डिफिकल्ट है इंडिया में कारोबार करना कि दूसरा तो कोई आ ही नहीं सकता। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आप ज़िंदगी भर सक्सेसफुल रहेंगे। जी बहुत खूब। धीरज साहब आप बताएं, ये जो इनिशिएटिव जिस तरह से है स्टार्टअप्स को, आप स्पेसिफिकली अब हम देख रहे हैं जहाँ तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात है उस स्पेस में भी काफ़ी पुश कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जो CAs हैं जैसे या तो जॉब्स की तरफ रुख करते थे या वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो एंटरप्रेन्योरियल की दुनिया में जिस तरह से आ रहे हैं और काफ़ी मतलब इसमें आगे बढ़ने का प्रयास है, इसके पीछे की सोच क्या है, किस तरह से आप देख रहे हैं? ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे कि सर ने बोला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ 800 चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इनके यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन हर फील्ड में है, इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट CEO भी है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हर बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, जब वो जॉब में रह के बिजनेस लीडरशिप लेके आगे बढ़ रहा है तो व्हाई नॉट ही कैन डू हिमसेल्फ फॉर हिमसेल्फ। सो दैट इज़ द ओनली थॉट कि चार्टर्ड अकाउंटेंट राइट नाउ आज की डेट में या तो जॉब में है या प्रैक्टिस में है। 20 साल पहले चालू किया उन्होंने कैपिटल मार्केट, कुछ एंटरप्रेनर निकले बिजनेस में, लेकिन एक इनोवेशन जो अभी तकनीक चालू हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर का विज़न के साथ चालू हुई है, तो उन्होंने को आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट नए नए थॉट प्रोसेस आ गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें आगे बढ़ रहे हैं, उसको तो यानी मतलब आप कम्पीट करेंगे IITs और जो IIMs से, जो जिस तरह से हम देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरियल दुनिया में आ रहे थे, अब CAs भी इस तरफ आगे बढ़ेंगे? ऑफकोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, सर ने जैसे बोला कि बहुत ज़्यादा तकनीक अच्छी है, आज सर हमेशा बोलते हैं कि दे आर बेटर देन द MBAs,
तो क्यों नहीं, आज मैं ये मानता हूँ कि बेटर देन MBA एंड IITs, तो 100% सक्सेस रेशो स्टार्टअप का रहेगा। और ये जो आज नंबर चालू हुआ है ये इस माध्यम से जो अपने इनिशिएटिव लिया है, मेरे को लगता है कि 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट आज की डेट में एंटरप्रेनर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो नंबर 5000 होगा, 5 से 15000 होगा। मैं समझता हूँ, मेरे पर्सनल अनुभव से बोल रहा हूँ, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ग्रुप में बैठा हूँ। हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकम्स अ मच बेटर एंटरप्रेनर देन MBA। That's great. हमारे यहाँ सब जगह चलन होती है हर कॉरपोरेशन में कि MBA ज़्यादा हायर करें जी। हमारे यहाँ ये चलन है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़्यादा हायर करते हैं। आई थिंक चार्टर्ड अकाउंटेंट हर चीज़ सॉल्यूशन से चालू करते हैं। बहुत ठीक, मतलब कारोबार की जो पेचीदगियाँ हैं, जो उसके अंदर जो तमाम तरह के रास्ते भी होते हैं, वो उसको काफ़ी बखूबी जानते हैं जो CAs हैं। हम आपसे सर ये भी समझना चाहेंगे, आपने उस दौर की बात की और अभी कि ये दौर है जब CAs भी इस और आ रहे हैं, और गवर्नमेंट्स का जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स में काफ़ी कॉम्पिटिशन हो रहा है, स्टेट्स की रैंकिंग हो रही है इस ऑफ डूइंग बिजनेस पर, आप इस सीनेरियो को, इस एनवायरनमेंट को किस तरह से देख रहे हैं, और यंग ब्रिगेड को आप क्या कहना चाहते हैं जब जॉब्स एक तरफ लिमिटेड हैं और एंटरप्रेन्योरल में कह रहे हैं कि आप जॉब सीकर्स की जगह जॉब क्रिएटर्स बने, तो उसमें कितना महत्व बढ़ता है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का, और पूरे इस इकोसिस्टम में कैसे देखते हैं आप इसको? आई थिंक एक जो कम्पिटिटिवनेस है स्टेट की है, सेंटर की है, उससे हर बिजनेस वालों को फ़ायदा ही होता है, बिकॉज हर स्टेट चाहता है कि आप वहाँ पे उनके साथ काम करें। आई थिंक कम्पिटिशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन एवरीवन, तो हर स्टेट्स में भी अच्छा हो रहा है। एंड रादर मैं समझता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग आज नई दिशा जो बन रही है, वर्ल्ड डिजिटाइजेशन का वर्ल्ड बन रहा है जी, डिजिटाइजेशन का वर्ल्ड है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ल्ड है, डेटा का वर्ल्ड है। आई थिंक ये वर्ल्ड में नंबर्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, एंड कैसे आप नए एल्गोरिथम्स लिख सकते हैं, कैसे नई चीज़ की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये बेखूबी चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बेटर कर सकते हैं। इसमें स्टेटिस्टिक्स चाहिए, नंबर्स चाहिए, और जो राइट ब्रेन की टेक्निक चाहिए वो सभी इनमें है। बहुत को सर जैसे बोले कि अभी मैंने काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी बी और बीटेक करके काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, और वो लोग आज की डेट में डाटा एनालिस्टिक और डाटा माइनिंग में लगे हुए हैं। बयानी साहब, जिस तरह से आपने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी किया है, आप स्टार्टअप्स के सक्सेस रेशियो में और इम्प्रूवमेंट हो सके, मतलब उसमें कैसे आपको लगता है कि उनको अपना आगे बढ़ना चाहिए ताकि इसके और बेहतर रिजल्ट्स आ सकें, आप अपने अनुभव से आज यहाँ पर क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि ये जब जाएँ तो अपने साथ कुछ की टेक अवेज लेकर जाएँ, और जो व्यूअर्स कार्यक्रम देख रहे हैं वो आपके इस लंबे जो आपका एक्सपीरियंस है उसको अपनी ज़िंदगी में, अपने कारोबार में उतार सकें? हम लोगों ने काफ़ी आज तक हम लोगों ने शायद 22 से 25 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, एंड हमारी सक्सेस रेट नॉर्मली जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, सक्सेस रेट 90% फेलियर होते हैं स्टार्टअप्स में, जो कि एक वर्ल्ड का है एक्सपीरियंस। कोई इंडिया में, आई थिंक इंडिया में भी 9 में से 10 कंपनियाँ नहीं चलती है, और मैं समझता हूँ इसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए मेरा एक मानना है कि जो भी स्टार्टअप करते हैं वो एक जो फील्ड में आ रहे हैं उसकी एक लैंडस्केप को, उसका जो कैनवास है उसको समझना चाहिए। बहुत छोटे छोटे कैनवास में स्टार्टअप्स आते हैं तो उनका स्कोप ही नहीं है बड़ा होने का। तो आई थिंक एक तो कैनवास देखना चाहिए कि कितना बड़ा कैनवास है, सेकेंडली उसकी फ्यूचर में लॉन्जिविटी है कि नहीं उस आइडिया की, वो एक समझनी चाहिए। तीसरी, अपने पर एक बिलीफ लाना पड़ेगा कि ये चीज़ ही है और उसके ऊपर मैं फुल बिलीव करता हूँ, उसको आगे तक लेके जाऊँगा। तो वो बेसिस पे आई थिंक सक्सेस रेट डेफिनेटली स्टार्टअप्स का बढ़ सकता है। इसमें हमने ये भी देखा है कि इस दुनिया में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स बहुत सफल हुए हैं, ऐसे उदाहरण हैं जिनकी क्वालिफिकेशन लेस है, मतलब हाईली क्वालिफाइड नहीं है। क्या ये इसको आप किस तरह से देखते हैं, मतलब क्वालिफिकेशन वर्सेस जो सक्सेस है इसमें, क्योंकि कई बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं उसमें, उस पहलू को आप किस तरह से बताना चाहेंगे? अगर इग्नोरेंस समटाइम्स इज द बिगेस्ट वर्च्यू, आपका कैनवास बड़ा हो जाता है जब इग्नोरेंट होते हैं। जब आप पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इतना ही दायरा है, इसमें काम करना है। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे सर, ये ओवरऑल स्पेस में इसको प्रमोट करने के लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें ताकि जो कारोबारी है वो अपने कारोबार पर फोकस करे, उसमें हमने देखा है काफ़ी आउटडेटेड पुराने लॉज हैं जिनको स्क्रैप किया जा रहा है, और क्या कुछ किया जाए ताकि सरलता आए, वाकई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्राउंड पर आ सके। आई थिंक जो गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट करती है, उनकी पॉलिसीज बनाना गवर्नमेंट का काम है। मैं नहीं समझता हूँ मैं कुछ गवर्नमेंट को ज़्यादा कमेंट कर सकता हूँ, बट हम चाहते हैं कि बिजनेस में रूल्स ऑफ द गेम बीच बीच में चेंज ना हो। ओके, आई थिंक इंडिया में एक है कि इतनी चेंजेस आती रहती है कि एक एंटरप्रेनर को हर दिन नए चेंज से डील करना पड़ता है। एंटरप्रेनर वॉन्ट्स सर्टनटी, एंटरप्रेनर वॉन्ट्स द रूल्स ऑफ द गेम टू बी डिफाइंड, उसके बाद बिजनेस करना आसान हो जाता है। आई थिंक सबसे ज़्यादा आसान बिजनेस का ये होगा कि आप हमारे को बता दीजिए ऐसा काम करना है, उसके बाद हम करते रहें। न्यू इंडिया में किस तरह से आप आगे का रोड मैप देख रहे हैं, ये जो न्यू इंडिया की बात हो रही है
उसमें स्टार्ट आई थिंक इंडिया नया ही बन रहा है बिकॉज इंडिया इट्स अ वेरी यंग कंट्री. हर चीज़ नई हो रही है, हर चीज़ नए. हमने मेरा 25 से 30 साल का कैरियर रहा है और हर 3 से 5 साल में हमने अपनी कंपनी की डायरेक्शन को बदला है. तो बदलाव आई थिंक मैनेजिंग एट द स्पीड ऑफ चेंज इज वॉट एवरीबडी हैव टू लर्न बिकॉज इंडिया में चेंज तो आते रहने हैं. आप बताएं टीम बिल्डिंग, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है कारोबारी. ये भी कहते हैं कि हमें टैलेंट को अट्रैक्ट करना फिर रिटेन करना, उसमें भी कई चैलेंजेस होते हैं. इसको आप किस तरह से? आई थिंक मेरे हिसाब से ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ पीपल. उनको सिर्फ 3 चीज़ चाहिए. हम लोग उनको बोलते हैं उनको LSD चाहिए, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा. आप तीनों इक्वल मात्रा में दीजिए उनको. लक्ष्मी इज़ मनी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग अच्छी तरह समझते हैं. सरस्वती इज इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, वो चाहिए ही चाहिए. हर आदमी को अपनी इंटेलेक्ट की ग्रोथ चाहिए. तीसरी दुर्गा, उसको अपनी आइडेंटिटी चाहिए और एक टाइटल चाहिए. अच्छा, आई थिंक आप हर ह्यूमन बींग को ये देंगे तो आपके साथ जिंदगी भर जुड़ा रहेगा. सर ये बता सकें, बाकी सब जिंदगी में जिस तरह से चीज़ें आती जाती हैं उसमें समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 24 आवर्स जो घड़ी लगातार बढ़ती जा रही है, आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? इतने सारे पहलुओं को आपने इतनी जगह कारोबार क्षेत्र में हाथ आजमाया है, ये मल्टीपल किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है? और आप कुछ उस पर भी बता सकें क्योंकि वो ज़िंदगी में उसका भी काफ़ी बड़ा रोल है. मैं गगन जी को बता रहा था कि मेरी ऑफिस में एक है कि 5 बजे के बाद कोई मीटिंग नहीं रखे हमारी. अच्छा, आई थिंक टाइम आपके हाथ में, आपको कैसे कंट्रोल करना है, आपको सब्जेक्ट में डीप कितना जाना है, कौन से सब्जेक्ट में डीप नहीं जाना है और कितने डिसीशन मेकिंग जो होती है. आप दिन में कितने डिसीशन लेते होंगे, 25-30, और कितना समय लगता है एक डिसीजन लेने में? मेरे हिसाब से 5 मिनट से ज़्यादा कोई भी समय नहीं लगना चाहिए. ऑप्शन तो 2 ही होते हैं सब डिसीजन के, और ज़्यादा से ज़्यादा 3, एक यस और नो और मे बी लेटर, और इससे ज़्यादा कोई आंसर होते ही नहीं है डिसीजन मेकिंग में. तो मेरे को नहीं लगता कि समय इसमें ज़्यादा गुजारना चाहिए. आई थिंक आप जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जितने टीम बनाएंगे, जितने कंसेंसस ढूंढेंगे, आपके कभी डिसीजन कभी होंगे ही नहीं, आपका टाइम ही टाइम वेस्ट होगा. बहुत खूब. हम फ्लोर ओपन कर रहे हैं, आप कईयों के रोल मॉडल्स हैं, पर उससे पहले आप ये भी बता सकें आपके रोल मॉडल कौन है. सर आपने अपनी ज़िंदगी में प्रेरणा के लिए किस तरफ देखा, आप किस तरह से मोटिवेशन लेते हैं? आई थिंक जिंदगी में हम लोगों को एक्चुअली रोल मॉडल की हमेशा तलाश रहती है और हर 3-5 साल में हमारे रोल मॉडल चेंज होते रहते हैं. तो जब शुरुआत की धीरूभाई अंबानी की स्टोरी पढ़ पढ़ के हमने शुरुआत की, फिर नारायण मूर्ति जी हमारे रोल मॉडल बने, उसके बाद किताबें हमारी रोल मॉडल बनी, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा रोल मॉडल थे ही नहीं बिजनेस में, और जिनके बारे में चर्चा की हो, किसी ने किताब लिखी हो, आर्टिकल छपे हो, तो रोल मॉडल ढूंढते रहते हैं. और हर आई थिंक किताबें हैज़ बीन द रोल मॉडल. हर आदमी की हमने किताब पढ़ी होगी, हर आदमी से प्रेरणा ली होगी, हर सब्जेक्ट किताबें पढ़ पढ़ के हम लोगों ने सीखी, क्योंकि हमने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की तो किताब पढ़ के ही सीख रहे हैं. बहुत खूब सर. आज के चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी किताब पढ़ने वाले हैं. बहुत खूब. अब हम चाहेंगे प्लीज़ आप अपना जो पूछना चाहते हैं प्रश्न, माइक प्लीज़. आपने गुजरात बेस्ड स्टार्टअप टेक्नो टीपोश में शायद इन्वेस्ट किया है, तो सर आप रिटेल से फूड में आए, आपने क्या देखा था, यानी फूड इंडस्ट्रीज़ में फूड स्टार्टअप्स आप क्या देखते हो जो टोटली आपकी करंट स्ट्रक्चर, करंट रिटेल बिजनेस अलग है? हम लोग ने हमारी जर्नी रिटेल से शुरुआत नहीं की, हमने हमारी जर्नी फैशन बिजनेस से शुरुआत की, वहाँ से हम रिटेल में आए. और हम समझते हैं कि हम एक कंज्यूमर गुड्स कंपनी है जिसकी खुद के ब्रांड्स बना रहे हैं. फैशन में हमारे काफ़ी ब्रांड्स, हम समझते हैं फैशन में ये साल हम लोग 30 करोड़ गारमेंट बेचेंगे, जो कि शायद वर्ल्ड में टॉप 7 नंबर में हम लोग होंगे नंबर ऑफ गारमेंट सेलिंग में. हम चाहते हैं कि फूड में भी हम हमारे ब्रांड्स बनावें, और हम लोगों ने 40 फैक्ट्रियाँ लगाई हैं फूड की, और हम काफ़ी लोगों के साथ भी जुड़ रहे हैं फूड में. तो हमारी इच्छा है कि कस्टमर जो है हमारे पास में वो हमारे ब्रांड्स यूज़ करे, हमारे ब्रांड्स कंज्यूम करे और हमारे साथ जुड़े. तो आई थिंक फूड, फैशन एंड होम हमारे 3 बिजनेसेस है, और हम चाहते हैं कि तीनों बिजनेसेस में हम एंड टू एंड प्ले करें. तो एक कंज्यूमर गुड्स कंपनी के हिसाब से हम लोग सोचते हैं इस काम के लिए. सर ये फूड के साथ साथ हेल्थ, वेलनेस और आयुर्वेदा, इसमें लॉट ऑफ थिंग्स सब हैपनिंग हो रहा है, तो वहाँ पे मतलब फ्यूचर क्या लग रहा है कि भाई एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदा? आई थिंक काफ़ी लोग आयुर्वेदा कर रहे हैं, बाबा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोगों की ज़रूरत नहीं है उस काम में. सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इन एंड आउट
But the current scenario that we see, the IBC provisions jab se aage hain, and you know, big of the industry houses are now being liquidated, being action taken, there's funding stopped absolutely. Do you think this is a conducive environment for entrepreneurs to grow? Because this is not a Silicon Valley moment that we thought it would come when Modi ji had arrived. You know, we thought there's a Silicon Valley moment coming in. But now, why are we, so when we are supporting, on one hand, entrepreneurship, but there's no funding happening, there's no banking regulations under stress. What do you think? Is this a conducive environment for entrepreneurship? I think आप जितना positive सोचेंगे उतना positive answer मिलेंगे. जब हम लोग ने business चालू किया, हम लोगों के पास भी capital नहीं थी. और हर business एक idea से शुरुआत होती है. और एक idea को आप concept में develop करते हैं, वो concept को test करते हैं लोगों के साथ में. And वो अगर चलता है, तो आपको लोग जुड़ते जाएंगे आपके साथ में. आपको funding भी मिलती रहेगी. I think it's a journey. Entrepreneurship is a journey. It's never उसका कोई destination ही नहीं है. तो आपको जर्नी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी और इंडिया का जो माहौल है उसी में काम करना पड़ेगा एंड मे बी आपकी जर्नी में आपके बाजू वाले शायद आपको फंड कर देवे. सर, देवदत्त पटनायक इज द चीफ बिलीफ ऑफिसर ऑफ फ्यूचर ग्रुप. तो ये ऐसी पोस्ट मैंने शायद आपकी कंपनी में देखी है, तो इसकी नीड क्यों हुई और बिलीफ को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? आई थिंक एक माइथोलॉजी एक सब्जेक्ट था. मैं वैसे जिंदगी भर एक एग्नोस्टिक या नास्तिक रहा हूँ, तो बट एक माइथोलॉजी में एक बिलीव था कि हर चीज़ जो वर्ल्ड में हुई है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हुई हुई है एंड वो रिकॉर्ड जो हुई है उससे हम कैसे शिक्षा पा सकते हैं, कैसे उसे लर्निंग कर सकते हैं. तो हम लोग ने जो LSD मॉडल बनाया, हमारा एक लीडरशिप मॉडल है, पूरी माइथोलॉजी से बनाया हमने. तो हमारा एक बिलीव ये है कि एवरी आउटकम इज रिजल्ट ऑफ अ बिलीव एंड एवरी बिलीफ इज रिजल्ट ऑफ अ बिहेवियर. आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो आपका बिलीफ बनेगा, आपका बिलीफ बनेगा तो आउटकम भी आएंगे. तो अल्टीमेटली तो एवरी आउटकम इज रिजल्ट ऑफ बिलीफ इन अ वे. तो आपके बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होंगे तो आपके आउटकम भी स्ट्रांग होंगे. तो ये हम लोगों ने माइथोलॉजी में काफ़ी कुछ सीखा. तो देवदत्त जी के साथ काम करके हमने यही सीखा कि सब कुछ हुआ हुआ है, नया कुछ नहीं हो रहा है एंड इसलिए हम लोग को कभी चिंता नहीं रहती नई टेक्नोलॉजी आ रही है कुछ भी हो रहा है. अल्टीमेटली एवरीथिंग हैज हैपन्ड, देयर इज नथिंग न्यू विच इज हैपनिंग एंड हम लोग ने पुरानी चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है और उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. आपने यहाँ पे आके कैरियर प्लेसमेंट फॉर एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट का देखा, स्टार्टअप इवेंट यहाँ पे हो रहा है वो देखा, पिचिंग प्रोग्राम देखा, क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि हम इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और चार्टर्ड अकाउंटेंट और आगे कैसे ग्रो हो सकते हैं और इंस्टीट्यूट कैसे इनको प्लेटफॉर्म और बेटर तरीके से प्रोवाइड कर सकती है? तो आपका गाइडेंस इसके लिए चाहिए. मैंने हम लोग पहले आते हैं कोई भी जगह पर, हम लोग एक रिटेलर हैं तो हम लोग जब दुकान में जाते हैं तो सूंघते हैं कि एनर्जी कैसी है ये जगह की. यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो भयंकर है, बहुत अच्छी है. आपके जॉब फेयर में एनर्जी बहुत अच्छी थी, वो क्लासरूम में एनर्जी अच्छी थी, यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छी है. पहली चीज़ तो एनर्जी अच्छी है, मतलब आप लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है. सेकंडली, सब लोगों में एम्बिशन बहुत है, सब लोगों में कुछ करने की इच्छा है और मैं समझता हूँ आप लोगों ने जो काम किया है बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको आई थिंक ये नेक्स्ट लेवल तक जाएगा. सर, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसा कि आपने बोला कि ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो हमारी बहुत सारे एंगल से हम लोग किसी चीज़ को सोचना चालू कर देते हैं और हमारे डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस स्लो हो जाती है. तो हम पर्टिकुलरली हम लोग बहुत सारे एंगल से सोच लेते हैं कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस आइडिया आने से पहले कि इसका, तो उसको रिवर्स कैसे किया जाए, वो आइडिया आप हमको दीजिए ताकि हम भी फास्ट डिसीजन ले सकें. तो हमारे फ्यूचर ग्रुप में जो भी ज्वाइन करते हैं सबसे पहले हम लोग 6 महीने उनको अनलर्निंग कराते हैं कि वो लोग जो सीख के आए हैं उसको पहले सबसे निकालते इरेज कराते हैं, फिर हमारी चीज़ें बिलीव उनके अंदर डालते हैं और उससे उस आदमी की प्रगति चालू होती है. तो अनलर्न करना जो सीखा आपने और नए चीज़ में लगाना, आई थिंक वो भी एक सभी लोगों को सीखना पड़ेगा. जी, तो समय इतना था, हम कार्यक्रम को यहीं वाइंड अप करना चाहेंगे पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर. चलते चलते आपका एक लास्ट मैसेज, ऐसी चीज़ जो यहाँ जो मौजूद डेलीगेट्स हैं उनको करनी चाहिए एक, और एक जिसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कारोबार की अपनी जर्नी में. आई थिंक हम तो हमेशा ये बोलते हैं कि आगे की सोचिए. लोग अपने लोग काफ़ी लोग पास्ट में रहते हैं और पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल में रहते हैं. मैं समझता हूँ इंडिया एक अलग ही देश है, हर 6 साल में 7 साल में $1 trillion इकोनॉमी ऐड करेगा. आगे की सोचिए, पीछे की इतनी मत सोचिए. सेकंडली ये है कि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस कंट्री. कोई भी चीज़ है आज जो है वो कल नहीं रहेगी, तो आपको वो हिसाब से भी अपना आइडियाज और बिजनेस को बनाना पड़ेगा. एंड थर्ड इज़ बिलीफ इन वन सेल्फ. आप अपने आप पे बिलीव करिए, जो आप काम कर रहे हैं उस पर बिलीव करिए, सक्सेस इज डेफिनेटली श्योर टू कम. थैंक यू वेरी मच सर इस मोटिवेशनल टॉक के लिए. तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट. जो आज बातें रखी गई हैं उसको आप अपनी लाइफ में और कारोबार में उतारें और आगे बढ़ें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू.
ये शुरुआत है, अब ये बहुत लंबा जाएगा, बट ये मैं कह सकता हूँ कि इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। करीबन 100-125 चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके पास इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, उस आइडियाज़ को और जो लोग जो फाइनेंस और वेंचर कैपिटल वाले लोग हैं उन्हें अच्छे आइडिया की ज़रूरत है, तो इन दोनों का एक संगम कर एक स्टार्टअप समिट का आयोजन धीरज खंडेलवाल ने कमेटी फॉर मेंबर्स इन इंडस्ट्री में आयोजित किया गया। इन टर्म्स ऑफ फ़ायदा तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था। आज वी हैव गॉट एन इन्वेस्टमेंट बार्टर डील एट द स्पॉट, वी हैव साइंड अ टर्म शीट, आज ही टर्म शीट साइन हो चुका है और वी हैव गॉट एन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। सो ये एनवायरनमेंट जो स्टार्टअप सबमिट किया है ICI ने, इट इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ हेल्पिंग इन्वेस्टर और एंटरप्रेनर्स बोथ। दैट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय ICI, आई वुड से।